हम आपको एरे के बारे में बताने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो क्या एरे होती है ये जान लीजिए। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन एंड आर रिफर टू बाय सिंगल एरे कॉमनली। जब एक तरह के ढेर सारे डेटा एक जगह पर एक नाम से ही स्टोर होते हैं तो वो एरे कहलाती है। एरे कई तरह की होती है, वन डायमेंशन एरे जो लिस्ट के फॉर्म में होती है, टू डायमेंशन एरे जो टेबल के फॉर्म में होती है, मतलब रो और कॉलम दोनों होता है, मल्टी डायमेंशन एरे, एरे जब एक डायमेंशन से अधिक की होती है तो वो मल्टी डायमेंशन कराती है, तो टू डायमेंशन एरे भी मल्टी डायमेंशन में आता है। और एरे होता है उसको आप प्रैक्टिकली देख नहीं सकते। तो अब आप जानिए एरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोरिंग अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑल ऑफ विच आर ऑफ सेम डेटा टाइप। जब एक डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं एक जगह पर स्टोर होते हैं तो वो एरे कहलाता है। ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे शेयर द सेम नेम एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके एक नाम से ही जाने जाते हैं और उनकी पोजीशन के हिसाब से उसको पहचाना जाता है, पोजीशन को ही इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट कहते हैं। रैंडम एक्सेस टू एवरी एलिमेंट यूजिंग अ न्यूमेरिक इंडेक्स। और किसी भी एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूज करके इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट को। एरे नेम रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। और जो एरे का नाम होता है वो एरे के स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एरे का नाम खुद ही एक एड्रेस होता है। सो जब भी एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो एम्परसेंट इसीलिए नहीं यूज करते, क्योंकि एम्परसेंट वहाँ यूज किया जाता है जहाँ एड्रेस को रिप्रेजेंट करना होता है। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एरे। यू have to declare and define array before it can be used, tell the name of the array, the type of each element and the size or the number of element. अब उसमें array को declare और define कैसे करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जब हम बहुत से variable a1, a2, a3, a4, a5 ले रहे हैं तो उसको define करने में मान लीजिए 100 variable हो तो बहुत दिक्कत होगी। तो जब ढेर सारे वेरिएबल सेम टाइप के सेम डेटा टाइप के होते हैं तो हम उसको एरे से डिफाइन करते हैं और उसकी साइज उसमें उसके ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। अब उसकी एरे का सिंटैक्स क्या है जानिए। एरे का सिंटैक्स है डेटा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर ब्रैकेट में कांस्टेंट साइज, जितने वैल्यू आप डाल रहे हैं उसकी उसको नंबर में साइज में डालते हैं हम। तो वी कैन डिफाइन एरे ऑफ डेटा टाइप एज फॉलोज। तो हम डेटा टाइप को निम्न ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। इंट ए 100, फ्लोट एफ 100, स्टैटिक इंट एरे 80, करेक्टर नाम की एरे बनाई और टेन नेम डाले तो वो इस तरह से बन गई। एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक एक नाम के लिए अलग अलग बफर खुलता चला जाता है और मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स के का नंबर है तो वो A0 से स्टार्ट होकर A100 तक जाएगा। ईच इंटीजर वैल्यू ऑक्यूपाइज 2 bytes, सो द 100 वैल्यू मेमोरी ऑक्यूपाइज 200 bytes। इवन ये 100 क्या 99 तक जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 100 तक जाएगा। There are two restrictions of using array. Array को use करने के दो restrictions. The amount of storage for declare array has to be specified at a compile time before execution means array has a fixed size. अब array को define करने से पहले उसकी size को define करना पड़ता है, otherwise memory allocation में problem होती है। The data type of array applies uniformly to all the elements. For this reason, an array is called a homogeneous data structure. Data type के हिसाब से
डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस टाइप का है, और जब एक टाइप का एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं किसी जगह में तो उसको होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह का डेटा होता है, इसलिए उसको होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। साइज स्पेसिफिकेशन, द साइज ऑफ एन एरे शुड डिक्लेयर यूजिंग अ सिंबॉलिक कांस्टेंट रादर देन अ फिक्स्ड इंटीजर। अगर आप उसकी साइज को सिंबॉलिक कांस्टेंट से यूज करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, जब हम शुरू में ही प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल को कैपिटल लेटर में साइज इक्वल्स टू 50, तो वो आपके एरे की साइज को डिफाइन करता है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया साइज 50 इंट स्टूडेंट मार्क्स साइज, तो ब्रैकेट में हम साइज लिख देंगे तो वो आपकी एरे की साइज को डिफाइन कर देगा। प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड रीड अ वैल्यू इन एरे डिस्प्ले डन। अब ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें कि साइज को यूज करके और उसको वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है, तो यहाँ सबसे पहले डिफाइन साइज 5 किया, मेन किया, इंट में 0 लिया, स्टूडेंट मार्क्स नाम की एक एरे डिफाइन की जो सिंगल डायमेंशन है जिसकी साइज 5 है, एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट किया और फॉर का लूप चलाया, फॉर के लूप में मैक्सिमम यूनिट साइज से दे दिया, प्रिंट एफ एलिमेंट नंबर किया, आई प्लस 1 किया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट किया, पहले नंबर की वैल्यू अब हम एंटर करेंगे जिसमें स्टूडेंट मार्क्स में पहली वैल्यू स्टूडेंट मार्क्स 0 पे आएगी और स्टोर हो जाएगी, प्रिंट द फॉलोइंग आर द वैल्यू स्टोर। अब हम जब स्कैन कर चुके हैं एरे को तो हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो हम एरे कैसे रीड करते हैं वैल्यू को और कैसे डिस्प्ले करते हैं इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। फॉलोइंग आर द वैल्यू स्टोर्ड इन अ करस्पॉन्डिंग एरे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन अ परसेंट डी इज परसेंट डी। तो आई में कितनी, पहले एरे में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, ए आई आ जाएगा ए जीरो में और स्टूडेंट मार्क्स आ जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में आपको रन करके बता देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ टू रीड एंड राइट द और रीड एंड डिस्प्ले द एरे वैल्यू। अब एरे इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम कैन डन ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, सिंटैक्स इज एज फॉलोज। किसी भी एरे को डिक्लेयर करना एक अलग बात है, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं किस टाइप की एरे है, और इनिशियलाइज करना अलग बात है। इनिशियलाइज में हम एरे की वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे जब हमने डेटा टाइप और एरे नेम लेकर साइज लिया तो उसमें वेरिएबल वन से लेकर वेरिएबल एन तक की वैल्यू डिफाइन रहेगी। इन इंट डिजिट 10 लिया तो 10 वैल्यू हमने डाल दी और इनिशियलाइज कर दिया 1 to 10 वैल्यू। तो जिस समय हमने डिक्लेयर किया डिजिट एरे को उसी समय हम उसकी वैल्यू भी दे दी, तो डायरेक्ट भी हम वैल्यू को बिना स्कैन किए इनिशियलाइज कर सकते हैं। फ्लोट टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर की वैल्यू दे दी, डबल विड्थ दिया तो डबल विड्थ की वैल्यू दे दी, विड्थ निगेटिव पॉजिटिव दोनों दे रहा है। डायनेमिक एरे, जब हम एरे के इन सम केसेस वी वोंट डिफाइन द साइज ऑफ एरे कॉल्ड डायनेमिक एरे। जब हम कुछ केसेस में एरे के साइज को डिफाइन नहीं करते तो वो डायनेमिक एरे होती है। दैट मीन्स कि हम साइज नहीं देते हैं तो वो जितने भी वैल्यू हम लेंगे उसके हिसाब से साइज को डिफाइन कर देगा। यहाँ हमने 10 वैल्यू ली है तो 10 की एक इंटीजर की 2 बाइट वैल्यू होती है तो 10 की 20 बाइट्स हो जाएगी। करेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन, अब इंट और करेक्टर में फ़र्क होता है, दोनों में बाइट की ऑक्यूपेशन डिफरेंट होती है, जो हमने बहुत पहले वेरिएबल बताते समय आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए जिसमें हमने बताया है कि किस टाइप के वेरिएबल में कितनी बाइट लगती है। करेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन, एरे ऑफ करेक्टर दैट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ स्ट्रिंग इन अ सी स्पेशली करेक्टर नल इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट सफिक्स। किसी भी स्ट्रिंग में नल करेक्टर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट लग जाता है बाद में किसी भी स्ट्रिंग के, तब वो स्ट्रिंग बनती है, और अगर नल करेक्टर नहीं लगता है तो वो एज अ करेक्टर
काम करता है। एरे वर्क एज अ करेक्टर, तो करेक्टर एरे कैसे काम करती है और स्ट्रिंग एरे कैसे काम करती है ये जानना बहुत जरूरी है। करेक्टर एरे इनिशियलाइजेशन, एरे ऑफ करेक्टर दैट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ स्ट्रिंग इन सी स्पेशल करेक्टर बैक स्लैश जीरो इम्प्लिसिट सफिक्स। अगर जीरो इम्प्लिसिट जीरो बैक स्लैश जीरो नहीं लगता है तो एज अ करेक्टर एरे लगती है। वो कैसे करती है, हमने लिखा करेक्टर थिन थ्री टिन, तो टिन में देखिए बैक स्लैश नहीं लगा है। वेयर लास्ट करेक्टर इज नॉट असाइंड बैक स्लैश जीरो देन वर्क एज अ करेक्टर एरे। वेयर एरे स्टोर थ्री करेक्टर एज फॉलोज, तो जब आप इस तरह से वैल्यू को डायरेक्ट इनिशियलाइज करिएगा तो वो एज अ करेक्टर एरे स्टोर हो जाएगी, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि उसमें बैक स्लैश जीरो नहीं लगा है। अब स्ट्रिंग कैसे करेगी, सेम एरे को हम स्ट्रिंग फॉर्म में जब उसमें बैक स्लैश जीरो लगा देंगे तो वो बिकॉज द साइज इज डायनेमिक सो बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश जीरो नल करेक्टर विल बी एडेड। जब हम एरे को डायनेमिक डाल देंगे, देखिए यहाँ पर हमने साइज नहीं फिक्स किया, तो टिन जब हम देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली बैक स्लैश जीरो लग जाएगा और वो एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि करेक्टर एरे में बैक स्लैश जीरो नहीं लगता और स्ट्रिंग एरे में बैक स्लैश जीरो लगता है। तो अब जो इसमें बैक स्लैश जीरो लगा तो जो साइज है उसको की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। To refer the individual element of the array as a subscript is used. Subscript is the integer type constant or variable name whose value range from 0 to size minus 1. Where size is number of element in array. जितने array में number element होंगे उतने size उसकी होगी। और size minus 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा option based जो array होती है वो 0 से start होती है by default. करेक्टर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया जब हमने लिया तो यहाँ देखिए डायनेमिक है ये, तो इंडिया एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। इंट स्टूडेंट डायनेमिक लिया तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट 5 साइज ले लेगी, बोथ एरे ऑफ साइज 5, लेकिन बाइट हमारी जो भी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि करेक्टर एक बाइट लेता है और इंटीजर दो बाइट लेता है। तो करेक्टर कंट्री एरे टेक 5 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस व्हाइल द स्टूडेंट एरे टेक 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी बिकॉज इट्स टेक 2 बाइट फॉर नंबर। हमने आपको बताया था ना कि 2 बाइट्स लेता है इंटीजर में, 5 बाइट्स 1 बाइट्स लेता है करेक्टर के लिए। तो अब रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इन एरे शोन इन अ टेबल, अब हम कैसे इंडिविजुअल वैल्यू को रिफर करते हैं उसको हमने टेबल में दिखा रहे हैं। जब हम न्यूमेरिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, कंट्री स्क्रिप्ट को कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कंट्री 0 पे आई, 1 पे एन, 2 पे डी, 3 पे आई और 4 पे ए होगा इंडिया के लिए। और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हमारी 0 टू 4 आएगी जबकि एलिमेंट हमारा 1 टू 5 होगा। इसी तरह स्टूडेंट में 1, 2, 3, 4 को हम डायनेमिक ढंग से एक्सेस कर सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो अब हम किसी का हम जो स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है उसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम पहले इंट आई इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं कि मैक्सिमम 0 था हमारा। अब स्टूडेंट के मार्क्स को स्कैन करेंगे और रीड करेंगे वन बाय वन, 50 में से मार्क्स को हमने रीड किया, साइज हमने यहाँ पर डिफाइन किया 10 स्टूडेंट्स की, तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स वो रीड करेगा और फिर हम निकालेंगे कि कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स सबसे अधिक है, उसको डिस्प्ले किया, फिर फाइंड किया कि कौन से स्टूडेंट का मार्क्स सबसे अधिक है। तो इसमें हमने लगाया इफ स्टूडेंट मार्क्स आई ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स, पहली बार तो आई जाएगा क्योंकि जो भी नंबर हम स्टूडेंट मार्क्स का लेंगे वो 0 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम में वो नंबर आ जाएगा। फिर दूसरी बार जब जाएंगे तो अगर वो नंबर, अब इसमें स्टूडेंट का दूसरा मार्क्स आएगा और मैक्स में पहले वाला नंबर रहेगा तो वो कंपेयर करेगा और निकालेगा कि कौन सा स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा है, तो उसको फिर मैक्स में स्टोर कर लेगा, अगर कम होगा तो स्टोर नहीं करेगा।
इस तरह से आपका सबसे बड़ा मार्क्स जो है वो निकल आएगा। प्रोसेसिंग ऑफ एरे, अब एरे के प्रोसेसिंग में क्या क्या करना पड़ता है हमको। देयर आर बी डिफाइंड ग्लोबली एक्सटर्न और लोकली एज ए स्टैटिक, द एरे बी डिफाइंड ग्लोबली एक्सटर्न और लोकली एज ए स्टैटिक। एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट गिवन द मार्क्स इन अ टू सब्जेक्ट फॉर थ्री स्टूडेंट। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी आपको ये करना है, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एरे, क्योंकि बार बार प्रोग्राम को थ्योरी में भी पढ़ाना और प्रैक्टिकल में भी पढ़ाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। अब आपको ये जानना जरूरी है कि बेसिक ऑपरेशंस एरे के क्या होते हैं। फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय एरे। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मींस कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट वन बाय वन। इंसर्शन मींस कि एरे को ऐड करना। डिलीशन मींस कि एरे में डिलीट करना वैल्यू को। सर्च मींस कि इसमें सर्च जो होगा सी में, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और भी बहुत तरह के सर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीनियर और बाइनरी सर्च हम आपको बताएंगे। सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बहुत तरह के सॉर्ट्स होते हैं ये सी में। डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बस इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि एरे में क्या क्या हो सकता है। आगे जब हम एरे और डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको करके बताएंगे, या आप डिमांड करिएगा तो उस हिसाब से बताएंगे। एरे कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन भी एरे कर सकता है। जब डबल डायमेंशन पढ़ेंगे तो हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ेंगे। एरे कैन बी यूज फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, अब शेड्यूलिंग भी करता है एरे। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, रैंडम नंबर परम्यूटेशन में काम आता है, तो साइंटिफिक यूज में भी एरे को हम यूज करते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया ये हम लोग सीरीज में निकालते हैं, तो उससे चार्ट बनाने में हेल्प होती है, हम हिस्टोग्राम चार्ट भी बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशन एरे, एरे विद मोर देन वन डायमेंशन आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशन एरे। अब उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका टू डायमेंशन एरे के लिए हम एग्जांपल देंगे, क्योंकि थ्री डायमेंशन एरे तो आप विजुअली देख ही नहीं सकते। डेटा टाइप एरे, नेम, साइज वन, साइज टू। अब मान लीजिए इंट चेस बोर्ड के लिए 8x8 लेंगे तो एरे बन जाएगी 8x8 की। अब एरे 8x8 कैसे बनती है, इसको इंसर्ट करके सिंपली आप देख लीजिए। यहाँ पर आप एरे 8 की लेकर और यहाँ पर एरे सर 8 की लीजिएगा, तो आपका जो चेस बोर्ड होता है वैसे आपका एरे का ये वैल्यू बन जाएगी। तो जैसे चेस बोर्ड में हम यूज करते हैं एरे को, वैसे वैल्यू हमारी बन जाएगी। आपने चेस तो देखा ही होगा और उसको खेला भी होगा हो सकता है, तो उसी को समझ लीजिए कि एरे जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा ज़्यादातर, तो वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब इसमें चेस बोर्ड 8x8 हो गया, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए चेस बोर्ड की जगह सी ले लेते हैं। सी यहाँ पर क्या करेगा, 0 पहली रो होगी और उसके बाद उसमें क्या करेगा, वो पहली पोजीशन 0 होगी। तो इस तरह से आपका ये डिफाइन करेगा, फिर ये लेगा सी ब्रैकेट में 0 फिर 1 करेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशन एरे में लिया था एक सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे हम दो सबस्क्रिप्ट लेंगे, पहली रो होगी दूसरी कॉलम होगी। तो ये पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली इस तरह से आगे यहाँ तक आएगा और यहाँ पे हो जाएगा पहली रो का 8वां कॉलम। तो 8वां कॉलम 7 हो जाएगा क्योंकि आपका वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर
ये आठवें सी, इस तरह से यहाँ पर सी का ये सेवन कॉलम और सेवन रो दिखा देगा, तो लास्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेस बोर्ड के वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशन एरे, इफ यू हैव, अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एम इंटू एन एरे है, इट विल हैव एम इंटू एन एलिमेंट एंड विल बी रिक्वायर्ड एम इंटू एलिमेंट साइज बाइट्स ऑफ स्टोरेज। अब न्यूमरिक है तो 8 बाई 8 क्या होगा, 8 अट्ठे 64 हो गया, 64 इंटू 2 कर दिया तो 128 बाइट ले लेगा आपके चेस बोर्ड के लिए। अब टेबल ली 2, 3 = 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें वैल्यू जब हमने ये डाल दी तो टेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आ गया। अब द नेचुरल ऑर्डर इन विच द इनिशियल वैल्यू आर असाइन कैन बी एल्टर्ड बाई इंक्लूडिंग द करली ब्रैकेट। अब इसको हम डायरेक्ट भी वैल्यू को दे सकते हैं और उसको करली ब्रैकेट से रो को और कॉलम को सेपरेट कर सकते हैं। मेन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लाइक द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन एज अबव। अब ऊपर के इनिशियलाइजेशन को हम एक लाइन में भी दिखा सकते हैं। इन टेबल 2, 3 है तो 2 रो हो गई, इसलिए 2 ब्रैकेट लगे, ब्रैकेट के अंदर पहली रो का ये एलिमेंट हो गया और दूसरी रो का ये एलिमेंट हो गया। इफ देयर आर फ्यू रिमेनिंग वैल्यूज इन अ रो दे विल बी असाइन 0। अगर आपने कम वैल्यू दी है तो वैल्यू वहाँ पर 0 बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगी, और अगर ज़्यादा दे दी है तो वो एरर दे देगा कि आपने ज़्यादा होने पर वो एरर दे देगा। अब ये इस तरह से हम टू डायमेंशन एरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरे एंड वेरिएबल। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। हियर आर द एरे होल्ड मल्टीपल वैल्यूज देयर एज ऑर्डिनरी वेरिएबल होल्ड अ सिंगल वैल्यू। It is true when the element of array are treated as an individual entity and when the variable is simple scalar variable such as an int, an array itself is a variable. तो अब array जो होती है वो multiple value define करती है और variable जो होती है single value define करती है और array का नाम खुद ही एक variable होता है। So this is all today viewers, हमने single और double dimension आज आपको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, उसको प्रोसेस करना बताया। डबल डायमेंशन के और प्रोग्राम बताएंगे, सिंगल डायमेंशन के और प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। और अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो में जा करके कमेंट में आप क्वेश्चन करिए और पूछिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और प्लीज़ वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। Thank you and go to the my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link, join my telegram channel Tech Ratan and please comment on community and ask the question. Thank you.